अब से सब्सिडी वाली गैस पर बायोमेट्रिक। रसोई गैस पर सब्सिडी पाने के लिए फिर से केवाईसी अपडेट करनी होगी, यानी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन दे के आधार को वेरीफाई करना होगा, नहीं तो कुकिंग गैस पर किसी को सब्सिडी नहीं मिलेगा। जैसे कि हम सभी को एलपीजी गैस का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हर एक फैमिली रोज का खाना पकाते हैं इसी रसोई गैस को यूज़ करके, यानी बिना एलपीजी गैस के किसी का नहीं चलता है। लेकिन केंद्र सरकार का एक नया निर्देशानुसार अब से हर एक कंज्यूमर यानी उपभोक्ताओं को अपनी बायोमेट्रिक छाप दे करके आधार को वेरीफाई करना होगा, नहीं तो सब्सिडी नहीं मिलेगा। और ये काम आपको निर्धारित 31 दिसंबर 2023 के अंदर ही करना होगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल संजीव। तो आइए जानते हैं डिटेल में। लेकिन जानने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑन यूट्यूब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, नेवर टू मिस एन अपडेट। केंद्र सरकार ने कंसर्न्ड तेल कंपनियों को निर्देश दी है कि बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके सबका आधार वेरीफाई करना होगा, चाहे वो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हो या फिर नॉर्मल कंज्यूमर हो एलपीजी गैस का। इस तरह का ऑर्डर जारी होने से सेलर और बायर दोनों को ही भ्रम पैदा हुए हैं। सूत्र के अनुसार ये बायोमेट्रिक का काम 31 दिसंबर 2023 के अंदर करना होगा, जो कि बहुत ही कम समय है। और चिंता की विषय ये भी है कि इतना कम समय में इतना बड़ी संख्याओं का कंज्यूमर का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कैसे हो पाएंगे। नॉट ओनली दैट, सरकार की ओर से ये खबर ग्राहकों को डायरेक्ट नहीं दिए गए हैं, बल्कि उन्हें कंसर्न्ड तेल कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर से पता चला है। ये बात भी लोगों की मन में आती है, जब पहले से ही बैंक अकाउंट के साथ आधार को वेरीफाई किए गए हैं तब दूसरी बार ये वेरिफिकेशन का फायदा क्या है, जबकि चारों ओर बायोमेट्रिक को मिसयूज किया जा रहा है। इसके बदले में सरकार की कहना है कि उज्ज्वला की एक्चुअल ग्राहकों को आइडेंटिफाई करने के लिए और एक ही परिवार में एक से अधिक गैस कनेक्शन है कि नहीं वो पता करने के लिए ही ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का काम शुरू किए गए हैं। अब बात करते हैं कि ये बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन कंज्यूमर कहाँ पर देंगे। दो तरीके बताए गए हैं। एक है, ग्राहक अपनी अपनी गैस की दुकान पर जाके ये बायोमेट्रिक दे सकते हैं, और दूसरा है कि जब गैस डिलीवर करने के लिए डिलीवरी बॉय आएंगे ग्राहकों का घर पर, तब भी ये काम ग्राहक कर सकते हैं। जबकि पहला तरीके से बायोमेट्रिक का काम अभी चालू हो चुके हैं, लेकिन दूसरा तरीका अभी तक चालू नहीं हुए हैं, शायद बाद में होंगे। तो दोस्तों, अभी से जिनके नाम पर गैस कनेक्शन है उन्हें अपनी गैस की दुकान पर जाके इस बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को देना होगा। अब तक ये बायोमेट्रिक वाला काम ऑनलाइन से किए जाने का कोई खबर नहीं है, चालू होने से आपको इस चैनल से उसका खबर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को एलपीजी गैस के बारे में केंद्र सरकार की इस नया निर्देश का अपडेट मिल चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।